माता आयुष्मान बाबू, आयुष्मान बाबू, आयुष्मान, माता हम आपसे विदा लेने थोड़े ही आए हैं, हम तो मात्र अयोध्या जाने की अनुमति लेने आए हैं। सदा सुखी रहो पुत्र, परंतु मैं तुम्हें ये भी नहीं कह सकती कि तुम शीघ्र लौट आना। माता कहकर तो देखिए। नहीं पुत्र, नहीं, मैं तुम्हारे उस गुरु की पत्नी हूं जिसने अपने आप को कर्तव्य के लिए, धर्म के लिए और अनुशासन के लिए समर्पित कर दिया है। मैं जानती हूं ममता किसी अनुशासन से नहीं बंधी होती, फिर भी मैं तुम सबको रोकूंगी नहीं, परंतु राजभवन जाकर अपनी इस माता को भूल मत जाना पुत्र। ये तो असंभव है माता। माता देखिए ना, हम चार चार भाई किंतु हमारी माताएं केवल तीन, कितना असंतुलन। ईश्वर को भी अच्छा नहीं लगा, अब ईश्वर ने यह संतुलन ठीक बना दिया। आप जो हमें मिल गईं, हम आपका स्नेह कभी नहीं भूलेंगे माता। बस बस पुत्र, मैं धन्य हो गई। माता हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। तुम्हारी इस माता के पास क्या है पुत्र? शत्रुघ्न। माता नियम के अनुसार ये वस्त्र हमें आपको लौटा देने चाहिए, किंतु मैं चाहता हूं कि आप इन्हें हमें उपहार स्वरूप दे दें। पुत्र, इन गेरुए वस्त्रों में ऐसा क्या है? ये तो माता, ये रंग ही तो कहीं मेरी आत्मा में उतर गया है, और फिर ये वस्त्र हमें आपके इस आश्रम के निकट रखेंगे। पुत्र, तुमने मांगा भी तो अपनी गुरु माता से ये क्या मांगा? जाओ, ले जाओ, मैं इन वस्त्रों को तुम्हें भेंट देती हूं, और इसके साथ ही साथ मैं आशीष भी देती हूं कि ये वस्त्र तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच सिद्ध हो। परंतु ईश्वर न करे इन वस्त्रों की तुम्हें कभी भी आवश्यकता पड़े। जाइए दशरथ नंदन, मैं आप सबको विदा करती हूं। प्रणाम माता। आयुष्मान, कौशल्या दीदी। हाँ? सुमित्रा दीदी। हाँ? सुना आपने, राम राजभवन लौट रहे हैं। हाँ? हाँ? बधाई हो। मैं तो ये सुन के झूम उठी कि अब हम राम को प्रतिदिन देख सकेंगे। केवल राम ही नहीं, हमारे शेष तीन पुत्र भी आ रहे हैं। मैं तो चारों के लौटने की राह देख रही थी। हाँ, सत्य कहा आपने, वो चहल पहल फिर से लौट रही है जो वर्षों से राजभवन से रूठी हुई। मैंने आदेश दे दिया है कि समस्त अयोध्या उनके स्वागत के लिए तैयार रहे। वत्सराम, तुमने कभी घोंसले की तरफ लौटते हुए पक्षी की उड़ान देखी है? जी गुरुदेव। उसमें जो अपनों से मिलने की व्याकुलता, हर्ष और उत्साह होता है, वह मुझे तुम्हारे मुखमंडल पर नहीं दिखाई देता, वहां तो गंभीर चिंतन दिखाई देता है। थोड़ा सा चिंतित तो हूं गुरुदेव, क्या आश्रम जैसा पावन वातावरण अयोध्या में भी होगा? वो भोर, वो दोपहर, वो शांत संध्या,
क्या वहां पर भी सब सत्यम शिवम सुंदरम होगा? हाँ वत्स, तुमने जिन मार्गों पर चलने का संकल्प लिया है, जो वचन तुमने मुझे दिया है, वो तुम्हारा संकल्प, वो तुम्हारा वचन राजभवन को भी आश्रम बना देगा। पवित्रता स्थान में नहीं, मानव के हृदय में होती है वत्स। सब कुछ त्याग कर भी यदि उचित मार्ग पर चलना हो तो अवश्य चलना, और सब कुछ प्राप्त करके भी यदि अनुचित मार्ग पर चलना हो तो कदापि मत चलना। यही गुरु मंत्र तुम्हारी सारी चिंताओं का समाधान है वत्स। आपने मेरे मन का बोझ उतार दिया गुरुदेव, अत्यंत आभारी हूं। आदि पुरुष सूर्यदेव, आप तो अस्ताचल की ओर चल पड़े और मेरा सूर्य तो अभी तक नहीं आया। वो तो प्रातः काल ही गुरुकुल से निकल पड़ा था। महाराज, महाराज, हमारा राम आ गया। महाराज, मेरा राम आ गया। क्या कहा महारानी, हमारा राम आ गया? हाँ महाराज, हम सबका राम आ गया। अभी अभी मुझे मंत्रा ने बताया कि हमारे राजकुमार राजभवन के मुख्य द्वार तक आ पहुंचे हैं। ओ महारानी कैकेयी, ये राम के आने का समाचार नहीं, दशरथ के प्राण लौट आए। इस महल रूपी सूखे सरोवर में दशरथ की स्थिति एक मछली के समान थी, और राम के आगमन का समाचार जल के समान आया। मैं जी उठा महारानी, मैं जी उठा। कौशल्या दीदी, अचानक मैं अपने राम को कैसे देख पाऊंगी? शांत पगली, तेरी व्याकुलता देखकर तो ऐसा लगता है राम आया नहीं, कहीं जाने वाला है। चल, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम यहाँ वार्तालाप करते रहें और चारों राजकुमार यहाँ तक आ पहुंचे। दीदी, मैं जाकर दासियों को कहती हूँ कि शीघ्र ही आरती का थाल सजा दे। हाँ सुमित्रा दीदी, और राउन को भी काजल लेके बुला लो, कहीं ऐसा ना हो मेरे राम को मेरी ही दृष्टि लग जाए। महाराज दशरथ, कुलगुरु प्रणाम। कुलगुरु यशस्वी भाव, स्वागत है आपका। महाराज दशरथ, आज से वर्षों पूर्व मैं आपके चारों राजकुमारों को धरोहर स्वरूप अपने आश्रम ले गया था, आज उन्हें ही लौटाने आया हूं। स्वीकार कीजिए। राम, श्री राम, 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 मेरे पुत्र राम, पिताश्री, पिताश्री, मेरे पुत्र राम,
राम पुत्र। लौटाए मेरे प्राण, तुम क्या लौटाए? मानो मानो सर्प के पास उसकी खोई हुई मणि लौट आई हो। हिताश्री, पिताश्री, भरत, पिताश्री, मेरे पुत्र चिरंजीवी भाव, चिरंजीवी भाव, पिताश्री, भरत, पिताश्री, लक्ष्मी, पुत्र, आयुष्मान भव पुत्र, पिताश्री, आयुष्मान भव। आयुष्मान भव, शत्रुघ्न चिरंजीवी भव पुत्र, चिरंजीवी भव। माता, प्रणाम माता। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। माता, गुरुकुल में प्रतिदिन आपको स्मरण किया, कई बार नींद में भी आपको पुकारा। पुत्र, तुमने जब भी मेरा नाम लिया, मेरी आंख खुली, नींद टूटी, फिर नींद नहीं आई। क्षमा करना दीदी, आप मुझसे बड़ी हैं और नहीं, माँ छोटी बड़ी नहीं, माँ होती है। उसके नेत्र उसके हृदय में लगे होते हैं। आयुष्मान भव, माता, आयुष्मान भव, माताश्री। यशस्वी भव, माता, पुत्र, आयुष्मान, आयुष्मान भव। माते, आयुष्मान भव, माते, दीर्घायु भव। प्रणाम माते। आयुष्मान भाव, आयुष्मान भाव, आयुष्मान भाव। आयुष्मान भाव, Thank you.
महाराज दशरथ, अब मुझे अनुमति दीजिए। मैं आपके और आपके पुत्रों के बीच में अब बाधा नहीं बनना चाहता। गुरुदेव, रघुकुल पर अपनी कृपा दृष्टि इसी प्रकार बनाए रखिएगा। मैं आपका आभार किन शब्दों में प्रकट करूं, समझ में नहीं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं महाराज, रघुवंश ने मुझे बहुत ही सम्मान दिया है, ये मैं जानता हूं। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। अब तो हम राम के कक्ष में चलते हैं। हाँ पुत्र, महाराज ने स्वयं तुम्हारे कक्ष का निर्माण करवाया है, अपने हाथों से सजाया है। माता, सुना है कि 100 अश्वमेध करने से इंद्रासन प्राप्त होता है, किंतु यदि हर जन्म में पिता के रूप में इन्हें पाऊं तो इंद्रासन की ओर आंख उठाकर ना देखूं। चलो पुत्र, शिक्षा के कारण वर्षों तुम्हें अपने नेत्रों से दूर रखा, किंतु अब तुम्हें एक पल के लिए भी अपने नेत्रों से ओझल ना होने दूंगा। महाराज की जय हो। राजभवन में महामंत्री, इस समय मेरा राम आया है, अभी तुम्हें अपनी मृत्यु से भी नहीं मिल सकता। महाराज, वो ऐसा व्यक्तित्व है जिसे आप भी अस्वीकार नहीं कर सकते। इस शुभ अवसर पर ब्रह्मऋषि विश्वामित्र पधारे हैं। ऋषि श्रेष्ठ विश्वामित्र, मिलूंगा उनसे, तो अवश्य मिलूंगा। आहा, कितने शुभ समय पर पधारे हैं वे, उनसे मैं अपने प्राण के लिए आशीष मांगूंगा, इन सबके दीर्घायु होने का वर मांगूंगा। महामंत्री, उन्हें विश्राम के लिए कहो। महाराज, वो याचना करने आए हैं और शीघ्र अपने आश्रम लौट जाना चाहते हैं। इस समय महारानी कौशल्या, आप इन राजकुमारों को पुत्र राम के कक्ष में लेकर चलिए। मैं मुनि विश्वामित्र का स्वागत करता हूं और उन्हें वहीं लेकर आता हूं। जी महाराज। पुत्र राम, कभी कभी ये शिष्टाचार भी कितना विवश कर देता है। चलिए महामंत्री, मुनि विश्वामित्र प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आइए महाराज। ब्रह्मर्षि, आप ऐसे शुभ अवसर पर पधारे हैं जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। आज मेरा राम मेरे तीनों पुत्रों सहित शिक्षा समाप्त करके लौटा है। महामंत्री कह रहे थे कि आप शीघ्र वापस लौटना चाहते हैं। मेरी तो आपसे विनती है कि आप तब तक हमारे साथ रहें जब तक कि अयोध्या में राम के आगमन का समारोह समाप्त ना हो जाए। अयोध्या नरेश, राम के आगमन पर मैं आपको बधाई देता हूं, किंतु मेरा रुकना संभव नहीं है। मैं यहां एक याचना करने आया। मेरा आश्रम कुछ राक्षसों की दृष्टि में है, वो उसे नष्ट करना चाहते हैं। मुनिवर, मेरी सेना को इन राक्षसों के साथ युद्ध का अच्छा अनुभव, आप मेरी सेना अपने साथ ले जाइए। नहीं,
नहीं अयोध्या नरेश, उन राक्षसों ने सहस्रों सैनिकों का वध किया है। मैं अब और अधिक नरसंहार सहन नहीं कर सकता। ये ताड़का, सुबाहु और मारीच भयानक मायावी राक्षस हैं। फिर तो मुझे आपके साथ चलना होगा। नहीं महाराज दशरथ, आपके पास मेरी समस्या का समाधान नहीं है, इसीलिए तो मैं याचना करने आया। मुनिवर, मैं रघुवंशी हूं, मेरे द्वार से आज तक कोई रिक्त हाथ नहीं लौटा। आप तो मेरे पूज्य हैं, कहिए आप मुझसे क्या चाहते, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? उन राक्षसों के वध के लिए मैं आपसे आपके पुत्र राम को मांगने आया हूं। मुझे राम दे दीजिए, मुझे राम दे दीजिए, मुझे राम दे दीजिए। दशरथ का सर्वस्व ही भाग्य रहा है छीन।